मत्ती का एक्सपीरियंस बड़ा एक्सपीरियंस बना फिरता है। बीवी की कलाई तक का तो पता नहीं है इसको। मत्ती के एक्सपीरियंस से ज्यादा मत प्यारा दे रहा था ना, फिर उन्होंने इतनी जोर से चीखा तो मैं समझा सही चलेंगे चले हुआ हो गया। थैंक यू, आई सॉरी टू ब्रो डिस्टर्ब कर अपने बाद नो प्रॉब्लम। ये रोज का है यहां पे, एक कप चाय पिला दो यार मुझे। यार कसम से इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना छेड़ा ना अपने मच्छू और बाउजार को के पास। बहुत खुश हो ना तुम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मैंने इस घर में जिंदगी को पहली बार कहके लगाते हुए देखा है और उन्हीं कहकों की चमक तुम्हारी शक्ल पे दिखाई देती है। मुझे ना अपने ससुराल आके पता चला है कि जिंदगी की असल खूबसूरती रिश्तों में है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माए बचपन से ही जहर भर देती हैं कई कोनी रिश्तों के खिलाफ। उसके बाद हम उन रिश्तों को उन्हीं बदगुमानी नजर से देखने लगते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी बेचारी माओं के साथ भी ज्यादती होती है माजी में। हाँ मैं मानती हूँ ऐसा होता होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा बर्दाश्त के दो घूंट लॉन्ग टर्म में बड़े फायदेमंद होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, हमें अपने बच्चों से उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए, उन्हें खुद सीखने देना चाहिए रिश्तों को बरतने का हुनर। ठीक कह रही हो तुम, मगर ये बात हमारे बड़ों को कौन समझाए। करेक्ट। लेकिन तुम देखना डॉक्टर तारा आपको डॉक्टर शब्बीर बुला रहे हैं। चल भाई चलो पेशी पे। तारा 7 बजे रेडी रहना यार, वो ऑफिस वाले हमें डिनर देना चाह रहे हैं, तुम प्लीज मैनेज कर लो। यस सर। बस तो देख लिया आपने जी। सर ये डॉक्टर राजिया वाला रोस्टर तो नहीं है, इसमें तो मेरी इस वीक कोई कॉल नहीं थी। डॉक्टर राजिया मुझसे कह कर रही थी कि मैं हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें। सर लेकिन आज तो मेरी कोई कॉल ना रखते आप। क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर राजिया की बेटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फेवर दूंगा आपको। सर डॉक्टर राजिया ने भी आज तक अपनी बेटी को कोई फेवर नहीं दिया और ना ही मैं आपसे कोई फेवर मांग रही हूँ। एनीवेज थैंक यू सर। एक्चुअली सर उसकी नई नई शादी हुई है और डॉक्टर राजिया ने उसकी शादी की लीव कैंसिल करवा के उसे वापस बुलवा लिया था। काम के लिए बुलवाया था ना वापस, वैसे ही शॉर्टेज चल रही है डॉक्टर्स की आजकल। हॉस्पिटल बंद कर दें क्या? जाएं आप भी, और सारा दिन डॉक्टर तारा के रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, काम करें।